हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धारावी में कोरोना काबू होने पर WHO ने की तारीफ, लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई में बेकाबू हालात। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना अभी भी बेकाबू है, लेकिन राहत की बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में संक्रमण अब नियंत्रण में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इसकी तारीफ की है। WHO ने धारावी का उदाहरण देते हुए कहा है कि राष्ट्र और वैश्विक एकजुटता के साथ आक्रामक कार्रवाई से महामारी को रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रस एडहानोम गेब्रेसस ने कहा, दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं कि महामारी गंभीर स्थिति में पहुंचने पर भी इसे दोबारा नियंत्रण में लाया जा सकता है। इनमें से कुछ उदाहरण इटली, स्पेन, साउथ कोरिया और धारावी मुंबई महानगर का एक अति सघन आबादी वाला इलाका है। समुदाय को शामिल करने, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेशन और इलाज संक्रमण की चेन को तोड़ने और वायरस को दबाने के लिए अहम है। हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रहा है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को रिकॉर्ड 7,862 केस सामने आए और 226 मरीजों की मौत हो गई। राज्य में अब तक 2,38,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। धारावी में जिस तेजी से कोरोना केस फैलने लगे थे, उसने राज्य के साथ केंद्र सरकार की भी चिंता बढ़ा दी थी। केंद्र सरकार ने यहाँ विशेषज्ञों की टीम भेजी थी। सघन आबादी में संदिग्ध मरीजों के आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होने की वजह से संस्थागत आइसोलेशन की व्यवस्था की गई। सामूहिक शौचालय की समस्या को दूर किया गया, टेस्टिंग बढ़ाई गई और अब नतीजा सामने है। धारावी में नए केसों की संख्या अब सिंगल डिजिट तक आ गई है। गुरुवार को यहाँ 9 केस मिले और इससे कुल संक्रमितों की संख्या 2,347 तक पहुँच गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 90,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 5,000 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरे देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 8,00,000 हो चुकी है और 21,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। देश में अब कुल एक्टिव केस 2,76,000 है, जबकि 4,95,000 लोग ठीक हो चुके हैं। जागरूक टीवी के लिए मुंबई से खास।